नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए गए किसी भी प्रोडक्ट का बिल किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, या कहें तो इनवॉइस किस तरह से जो है डाउनलोड किया जाता है। मान लीजिए आपका जो है बिल गुम हो गया और आप उस फ़ोन को जो है सर्विस सेंटर ले जाना चाहते हैं, तो बिना बिल के तो सर्विस सेंटर में आपके फ़ोन जो है रिपेयर हो नहीं पाएगा। या फिर आपका दूसरा रीज़न हो सकता है, मान लीजिए आप फ़ोन को बेचना चाहते हैं या फिर आप टीवी फ्रिज कुछ लिए हैं उसे बेचना चाहते हैं, तो वैसे भी कई लोग क्या होते हैं जो बिल मांगते हैं, इनवॉइस मांगते हैं, तो उसे किस तरह से डाउनलोड किया जाए अगर आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेंगे आप जिससे भी मंगाए होंगे। जैसे ज़्यादातर लोग तो अपने अकाउंट से मंगाते हैं, ठीक है। मेरा जो लॉगिन है जिससे मैंने मंगाया था, लॉगिन है, उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे उसके लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर 3 लाइंस होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर माई ऑर्डर्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर में क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे जो आपने किया होगा, जितने भी फ़ोन वोन जो भी आप मंगाए होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक फ़ोन है, देख सकते हैं, Realme 7i, तो इसका जो है मैं इनवॉइस डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसका जो बिल है डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, डिलीवर ऑन यहाँ देख सकते हैं January 17, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका सारा यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इनवॉइस डाउनलोड, सिंपली इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इसको कंटिन्यू कर देते हैं और ये हमारा जो इनवॉइस है जो डाउनलोड हो गया है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। अब ये जाएगा कहाँ, तो मैं चलता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, ये देखिए फाइल मैनेजर में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं अपने मेन स्टोरेज में, उसके बाद चलते हैं डाउनलोड में। डाउनलोड में एकदम लास्ट में देखिए यहाँ पर आ गया, लेकिन ये PDF नहीं दिखा रहा है, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके ऊपर टैप करना है और इसका रिनेम कर देना है। रिनेम करने के बाद क्या करना है, लास्ट में .PDF ऐसे ओके कर देना है। तो ये देखिए ये आ गया PDF हमारा, अभी से मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये देखिए ये जो है मेरा Realme 7i का ये जो इनवॉइस है, इसे लेकर आप जो है सर्विस सेंटर में दे सकते हैं और चाहें तो आप जो फ़ोन को बेच रहे हैं तो सामने वाले को दे सकते हैं इसका प्रिंट निकाल के आसानी से। तो सर कमेंट से कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो सर जानकारी चलिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।